हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र हम ठीक हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत गर्मी वाली सुबह हुई है आज बहुत गर्मी है यहाँ पर। आई थिंक 52 टेम्परेचर है और घर में हर टाइम एसी चल रहे हैं, हर तरफ एसी चल रहे हैं, उसके बावजूद 46-47 टेम्परेचर है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी मुझे स्वेटिंग हो रही है जबकि एसी चल रहा है। तो चलो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें एसी की फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। जिनके पास ये नहीं है तो हम उनसे पूछें। हमेशा अपने से छोटों का हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलें आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या रूटीन है। आज हस्बैंड मेरे घर हैं क्योंकि मेरे बच्चों का टेस्ट है स्कूल में एक आध दिन में इंशाल्लाह, तो वो उसकी उन्हें तैयारियाँ करवा रहे हैं। और मेरा क्या काम, मेरा तो यही काम है कि हमने किचन में चलना है। तो चलें हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम आज क्या बनाते हैं। वैसे मेरा आज इरादा है कि मैं चिकन पराठे बना लूँ। तो चलें चलते हैं किचन में और देखते हैं आगे क्या क्या प्लान है, मिलते हैं। चलें जी गाइस, यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने चिकन पराठों की तैयार कर ली है और एक पराठा भी रेडी कर लिया है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है इसकी रेसिपी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। तो चलिए मैं पराठे बनाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। पिज्जा पराठा रेडी हो रहा है और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। बता हाँ कैसा बना है? अच्छा खा रहे हैं? ओके चलो, ये तो क्या हमारा दिन का खाना, हम रात को देखते हैं क्या बनाते हैं। डेली का समझ ही नहीं आता है, सब एक घर में यही प्रॉब्लम है कि आज क्या पकाएं। पकाना बहुत आसान है लेकिन सोचना बहुत मुश्किल है कि क्या पकाना है। जल्दी हमारा पराठा हो गया डन, इसको मैं बच्चों को देकर आती हूँ और लिखती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। चलिए गाइस, यहाँ मैंने बना लिया है अपना पराठा और मैंने अपनी दही भी निकाला है क्योंकि मुझे दही के साथ पसंद है। और ये सैलेड अभी तक चल रहा है और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों को कैसा लगा पराठा। तो चले चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों से मैं पूछती हूँ कि उन्हें पराठा कैसा लगा। तो अहमद बताओ आपको कैसा पराठा बना? यम्मी। चले जी खाते खाना, मैं भी आप लोगों के सामने ही टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। बहुत मजे का बना, मजा आ गया। चले चले मिलते हैं खाने के बाद। चले जी गाइस, खाना वाना हमारा हो गया और मैं आ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका पढ़ने का टाइम हो गया और ये लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है। चलो आहार, डोंट क्राई, जल्दी से पढ़ो। 14+5 कितना होता है? तो मैं अब इसको पढ़ाने लगी हूँ और देखें ये क्या पढ़ता है, क्या प्लस फाइव क्या हाँ। होता है? चलो 14 इन योर माइंड, 5 फिंगर आउट, 18, 19, 20। नो 14+5 अच्छा उसने 15 इन योर माइंड, 5 फिंगर आउट, काउंट इट, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलो 19। चलो चलेंगे फ्रेंड्स, आप लोग भी दुआ करिएगा इनका टेस्ट अच्छे अच्छे से क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। आहद आप भी रिक्वेस्ट कर दो प्लीज।
कर लिएगा। तो चलो आप बेटा अच्छा अच्छा पढ़ो भी तो ना। चलिए मैं इन लोगों को पढ़ाती हूँ और वो बच्चा अपना 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 लगा हुआ है तो तब तक पढ़ा लेते हैं दोनों दो दिन तक पढ़िएगा। चलें चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Telling your mind 5 finger out. 10, 11, 12, 13, 14, 15. लिखो 15. 15 होता। इधर। हाँ। 15 हमने ऐसे लिखे हैं। आप तो आते हैं तो बताएं। आप लिख दें। चलो। आगे चलो। 4 + 13 कितना होगा? 4 + 13 तो होगा 7. कितना? होगा 11. Very good. मैं आपके ना मुंह पे एक थप्पड़ लगाऊंगी। 4 + 13 कितना होगा? 4 + 13 होगा। जल्दी 13 होगा। मम्मी मुझे लगाने दे, मेरे नहीं भी हो रही है। 13 in your mind 4 finger out 14 15 16 17 छोड़ो, हटो कहाँ लिटाया हुआ इसको? ये देखो, ये देखें गाइस इसको कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। करंट आया है। अल्लाह आ छोड़ो तो सही बेटा उसको। चलो किसने लिटाया इसको इस तरह? इसी कामों में दिमाग चलता है आपका, पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता। ये 5-star बेड है ये इसका। मजा आ रहा है आपको? मेरा तो बुरा हाल हो गया। कैसे दिमाग चलाते हो तुम लोग? तो गाइस देख सकते हैं आप ये बच्चों के काम, बच्चे भी आजकल के कैसे हैं, क्या क्या काम करते रहते हैं, तो तंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा। चलो अच्छा है, अपना लगे रहते हैं। मुझे नहीं इतना फील होता, अशक को इस तरह की फ़नी हरकतें करवा कर संभाल लेते हैं। तो अब मेरी हो गया असर की नमाज़ का टाइम, मैं पढ़ती हूँ असर की नमाज़ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के। चलें जी गाइस, बच्चों को मैंने पढ़ा दिया है, बच्चे हो गए फ्री और अब थोड़ा वो रेस्ट करें। सारा दिन हो गया था उन्हें पढ़ते हुए, तो मैंने उन लोगों को रेस्ट करने के लिए डाल दिया है थोड़ी देर कि चलो आप अपना रेस्ट करो। तो बाकी मैं जाती हूँ किचन में, मुझे अब जी बेटा बाबा आ जाए ना, अभी मैंने कॉल किए बाबा को, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। तो हस्बैंड मेरे चले गए, उनके एक फ्रेंड की तबीयत ख़राब है तो वो उसको हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ पर जाहिर है कोई रिलेटिव तो होते नहीं है, तो हम तो ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। तो उसने उनको हस्बैंड को मेरे कॉल की, जी कहाँ हुए बेबी को? बाबा आने वाले हैं। तो वो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर चले गए। इसलिए मैं फ्री हूँ तो मेरा दिल कर रहा है कि अब चाय बनाए, तो मैं आ गई हूँ किचन में, जा रही हूँ अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ ताकि जो सुस्ती आई हुई है ना वो ख़त्म हो। बच्चों को बढ़ा बढ़ा के सुस्ती आ गई है। तो चलें बनाते हैं चाय, फिर मैं आपको चाय क्या दिखाना, चलें बनाते हैं चाय। चलें जी गाइस, चाय मैंने चढ़ा दी है थोड़ी सी और अपने लिए इलायची भी डाल दी है क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना कार्डमम टी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज इलायची वाली चाय पी जाए। तो बस चलो चाय वगैरह पीते हैं, फिर इंशाल्लाह ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, ईशा के अज़ानों का टाइम होने वाला है, उसके बाद खाने शाने का करेंगे। क्या पकाना है क्या करना है कुछ भी नहीं पता, राइस बनाऊंगी हो सकता है आज बस, तो देखते हैं अब क्या होता है। चलें चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस यहाँ मैंने चाय वगैरह पी ली थी और मुझे अब अहमद आबाद की पिक्चर्स लेनी थी, तो मैं फटाफट से आ गई थी स्टूडियो पे। अहमद आहद की मुझे पिक्चर्स लेनी थी एडमिशन के लिए, उनके पिक्चर्स चाहिए थे तो रिक्वायरमेंट के पिक्चर्स चाहिए, तो हम आ गए उनके पिक्चर्स करवाने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ उनके पिक्चर्स। नो और यहाँ पर आहद बैठ गए पिक्चर के लिए और आहद से बैठे नहीं जा रहा। हाँ मेकअप करो। और यहाँ ये चर्सी से नींद आ रही है।
पीछे हाथ दर्द आई सही करो आपने फिर सही से देखो आई इसको बाहर भेजे क्योंकि ये अहमद को हंसाई जा रहा था उसकी पिक्चर सही नहीं आ रही थी जिसको बाहर भेज चले जी गाइस पिक्चर पिक्चर हो गई है हमारी दिखाना है अहमद कैसे लग रहे हो जरा पिक्चर में बहुत हैंडसम लग रहे हो शो मी ये हो गई है अहमद की पिक्चर बहुत हैंडसम लग रहे चलो चलो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ चलिए जी गाइस यहाँ पर हम लोग आ गए बैतुल शवरमा और दिखाते हैं आपको अंदर का माहौल उससे पहले हम लोग आ गए हैं अशद को आइसक्रीम दिलाने ये बहुत रो रहा था आइसक्रीम के लिए तो हम यहाँ आइसक्रीम खाने आ गए वो कौन सा है वो वाला वो जो वाइट है हाँ ये हाँ ये इनकी मिठाई रखी हुई वो नहीं अच्छी चलिए अब चलते हैं बैतुल शवरमा खाना खाने यम्मी चले जी गाइस यहाँ हम आ गए बैतुल शवरमा और यहाँ का ये माहौल है और यहाँ का शवरमा मुझे बहुत पसंद है बहुत अच्छा होता है चलिए हम ऊपर आ गए बैठने के लिए और ऊपर भी इन्होंने ऑर्डर का दिया हुआ है आप यहाँ पर भी आकर ऑर्डर कर सकते हैं ये है फैमिली फैमिली का आ जाओ यहाँ पर भी लॉट्स ऑफ चेयर्स हैं तो चले हम यहाँ पर बैठते हैं और देखते हैं क्या मेन्यू मंगवाते हैं मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद चले जी गाइस खाना शाना हमारा आ गया हम खाना खाना खाते हैं और देखते हैं खाना कैसा है अहमद टेस्ट करो ये हमारा प्लेट है ये है राइस राइस विद शवरमा चिकन चलो खाना वगैरह हमारा आ गया हम खाना खाते हैं मिलते हैं कल इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में और खाने का रिव्यू मैं आपको कल वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह तो चलते हैं व्लॉग को एंड करते हैं हमें गाँव में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़